गाने बजाने तो होते रहेंगे, हम तो संगीत से ही आए हैं, आज इस मुकाम पे है तो गायकी के बदौलत हैं, सॉन्ग के बदौलत हैं, संगीत के बदौलत हैं। लेकिन एक चीज, जब आदमी कुछ अच्छा करता है तो हम अपेक्षा भी रखते हैं आप सबसे यही कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद अच्छी चीजों को भर भर के दीजिए। तो जीवन में हर पल अच्छी चीजें नहीं आती हैं और ये मौका है आप सबके लिए और हम अपने भाषा के लिए कि हम सबको अब थोड़ा सा जगना है कि अपना भाषा का सिनेमा, ये बहुत कम ऐसे सिनेमा बनते हैं जो कि मेरा फरिश्ता, आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा जो कि वी एम म्यूजिक के चैनल से आया है और लाल बाबू पंडित जी, मेघाश्री, पूजा गांगुली से लेकर अमित जी से लेकर सरदार नवल जी तक, प्रकाश जैसी, मैंने सबने, हमारे डीओपी प्रिंस भैया और पूरी टीम में, अरविंद तिवारी जी जो कि हमारे राइटर हैं और कृष्णा बेदर्दी का संगीत है, तो कोशिश है हमारी, बस आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी सिनेमाओं, सिनेमा का अगर प्यार और आशीर्वाद भर भर के देंगे तो, क्योंकि देखिए हमें खुद को बनाने की बहुत जरूरत है और मुझे लगता है कि जब हम खुद को बना के प्रेजेंट करेंगे तो आप सब प्यार देते हैं। तो हमने हमेशा कोशिश यही की है कि हम खुद पे पहले मेहनत करें, चाहे वो अपनी एक्टिंग हो, चाहे अपनी बॉडी हो या अपना कुछ भी हो, करेक्टर हो। अभी तक हम खेसारी बन के ही काम करते थे लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि खेसारी से हटके कुछ काम करूं ताकि आप लोगों को हर वो करेक्टर नजर आए, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कहानी होती है। तो अगर हम इंसान को फॉलो करके चलेंगे तो शायद बेटर, हम कहानी फॉलो करते हैं इसलिए शायद हमारी भोजपुरी पीछे रह रही है या हो जाती है या है, क्योंकि इंसान की कहानी होती है, कहानी का इंसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमें कहानी की जरूरत नहीं, हमें हर एक इंसान की कहानी की जरूरत है जिससे हमें प्ले करना चाहिए, और वो टफ होता है क्योंकि खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, हमारे संजय बाबू का बोलने का तरीका अलग है। अब नमस्ते हर किसी, सभी को जो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये टेलर जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भैया से बोला कि भैया ये बहुत बड़ा टेलर होगा, बहुत बड़ा टेलर होगा और बहुत बड़ी फिल्मों की टीआरपी और हॉल की बातें हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हॉल सरकार के ऊपर है, जब वो लोग सुधार देंगे तो हम लोग का जय जय हो जाएगा। लेकिन जितने भी हॉल है उसमें भी अगर आप लोग भर भर के प्यार देंगे तो सारे हॉल खुल जाएंगे और सरकार का भी ध्यान हम लोग के भोजपुरी समाज की तरफ या भोजपुरी के संगीत की तरफ या भोजपुरी की फिल्मों की तरफ जाएगा। के हुआ पन ना भइल सब गैर हो गई दुनिया के माली, देख के कौन साजा हमसे पीछा छोड़ा दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी। तो हमने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से, और सबको मैं ऐसा रहूंगा कि इस फिल्म से और इस सिनेमा से जुड़े हुए हमारे रेड्डी साहब जो कि साउथ से आकर और अपने भाषा के लिए काम किया उन्होंने, तो दिल से धन्यवाद उनको भी कि उन्होंने भी बहुत प्यार और आशीर्वाद से सिनेमा को बनाने में मदद दी। और कोशिश हमारी है भैया कि हम बेहतर करें और दुनिया की नजर में अपनी एक अलग छवि बनाए अपने भाषा की। तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज देखिए, गाना गाना आसान है, 5 मिनट का मनोरंजन कराना बहुत आसान होता है, बट 2.5 घंटे की फिल्म, 2.5 घंटे की कहानी में अपने आप को पिरोना ये बहुत कष्टदायक होता है। 2.5 घंटे अगर आपको रोकना हो तो मुश्किल काम है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 घंटे आप सबको रोका जाए, 2.5 घंटे तक आप मनोरंजन में रहें, 2.5 घंटे तक आप अगर आप 100 रुपए का टिकट लिए हैं तो आपको लगे कि नहीं यार मैंने एक बेहतर चीजें देखी है, तो वो आपका 100 रुपया, वो आपका 1-1 रुपया शायद भोजपुरी को बना सकता है, भोजपुरी को बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। तो हमने कोशिश की है फरिश्ता के रूप में, और मुझे लगता है कि हमारा फरिश्ता आप सब हैं। तो बस मैं अपने फरिश्ता से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हॉल तक दीजिएगा, और ऐसा प्यार दीजिए कि भोजपुरी फिर से एक बार रिबैक हो और हम सब भाई मिलके बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कि
आपने टीजर देखा मेरा संघर्ष का, मेरा कुछ अलग अवतार है उसमें, वो एक अलग दिशा की कहानी है, ये एक अलग दिशा की कहानी है। एक टिपिकल भोजपुरी जो होती है ना, दुनिया अभी तक लड़की के लिए पागल बनते हुए लोग आपने देखा होगा, बट माँ बाप के लिए कोई बहुत कम ऐसे पागल होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए पागल हो जाते हैं। वो क्या है कहानी, जब आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उस माँ बाप को भी गर्व होगा जहाँ हमारे बेटे ऐसे हमारे लिए करते हैं। कोशिश की है हम लोगों ने, तो प्लीज बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वेव म्यूजिक के चैनल पे ट्रेलर भी आया है, एक बार जरूर देखिए और आप जरूर बताइए, और हर आदमी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देगा तो शायद हमारी चीजें बड़ी होगी। अगर हम गलत करते हैं तो आप गलत तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम सही करते हैं तो मैं हम सब न्यूज चैनल वाले भाइयों से, यूट्यूबरों से भी सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम गलत करें तो प्लीज आप मुझसे गलत बोलिए, लेकिन अगर हम कुछ सही करें तो कोशिश करिए कि हाँ दुनिया तक इस भोजपुरी को, अगर सही बोलिएगा तो सही देख दुनिया जानेगी, गलत बोलिएगा तो गलत जानेगी। तो अगर सही करे तो उसको सही भी बोलिए ताकि दुनिया उस पॉइंट को भी देखे, उस समस्या को भी देखे कि नहीं यार भोजपुरी में ऐसे भी चीजें होती है, सिर्फ यही नहीं होता ये भी होता है। तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सब प्रतिक्रिया देते हैं तो अच्छा लगता है, आपका गलत भी अच्छा लगता है, सही भी अच्छा लगता है, और हमें भी महसूस होता है कि हमने गलत की, हमने सही की, हमने क्या किया, तो वो सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबकी मोहब्बत की जरूरत है, अभी भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, और हम भी अपने आप को कह सकते हैं कि आई एम भोजपुरी से। नहीं तो भोजपुरी में हीरोइनें आने से डरती थी पहले, लेकिन आज जब से टीजर रिलीज हुआ संघर्ष का, फरिश्ता का ट्रेलर रिलीज हुआ, इतने सारे कॉल आने लगे, इतने सारे अदर भाषा के लोगों ने भी जो मेरे पहचान गए हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार आप लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो खुशी मिलती है कि हाँ चलिए हम एक छोटे से भाषा से नहीं बल्कि आज बहुत बड़े भाषा के होकर भी हम अपने भाषा को अपने काम के जरिए कभी प्रूफ नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये मौका है हम सबके लिए, हम सबके हाथों में एक मौका आया है, तो कोशिश करिए ताकि हर आदमी अपने आप पे काम करे और ऐसे ही बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने, और बेहतर सिनेमा करके अपने भाषा को, अपने राज्य को, अपने लोगों का सर ऊंचा करे। तो मेरी कोशिश है, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं तो बखूबी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी चीजें बड़ी हो, हम सबकी चीजें दुनिया के नजर में जाए, दुनिया कहे कि यार क्या एक्ट है और क्या एक्टिंग है, क्योंकि सिर्फ गाने से हम दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते, इतनी दिशा तो कर ही रहे हम लोग, कहाँ कर पा रहे। बट मुझे लगता है कि वो एक अलग क्षेत्र हो गया, गायकी एक अलग क्षेत्र हो गई, लेकिन सिनेमा से ही हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे साउथ के लोगों ने क्या, वो भी तो सॉन्ग गाते